हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच सीनियर केजी हिंदी। ओपन योर बुक पेज नंबर 18। हम लर्न कर रहे हैं कॉन्सोनेंट। ओके, इसको बोलते हैं अण। अण से फण। अण से फण, क्या बोलते हैं इसको? अण। यहाँ पे डॉट्स दिए गए हैं, उसको ट्रेस करते हैं। हण से फण। हण से फण। हण से फण। इस तरह से आपको टू लाइन्स ट्रेस करना है, देन यहाँ पे हम राइट करना है। हण से फण। अण से फण। अण से फण। इस तरह से आपको थ्री लाइन्स राइट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, शब्द पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे शब्द दिया है, उसको हमें रीड करके यहाँ पे राइट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? ई ख। E प्लस ठ करते हैं, मीन्स दो मिलकर के एक वर्ड बन जाता है। ओके, यहाँ पे ई और ख मिला करके क्या बन जाता है वर्ड? ईक। यहाँ पे राइट करते हैं ई ख। इस तरह से आपको यहाँ पे भी थ्री टाइम्स राइट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आ प्लस ग। आ और ग मिलकर के क्या बन जाता है? आग। यहाँ पे हमें राइट करना है आ ग। इस तरह से आपको थ्री टाइम्स यहाँ पे भी राइट करना है। नेक्स्ट, पेज नंबर 19। इसको बोलते हैं त। त से तरबूज। त से तरबूज। त से तबला। त से तबला। ओके, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? त। यहाँ पे डॉट्स दिए गए हैं, उसको ट्रेस करते हैं। त से तरबूज। त से तबला। त से तरबूज। इस तरह से आपको टू लाइन्स ट्रेस करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें राइट करना है। त से तरबूज। त से तबला। इस तरह से आपको थ्री लाइन्स राइट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, शब्द पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, उसको हमें रीड करके यहाँ पे राइट करना है। फर्स्ट, ख त। ख और त मिलकर के क्या वर्ड बन गया? खत। यहाँ पे राइट करते हैं ख त। ख त। इस तरह से आपको थ्री टाइम्स यहाँ पे भी राइट करना है। नेक्स्ट, छत।
छ और त मिलकर के क्या वर्ड बन गया? छत। इस तरह से आपको यहाँ पे भी 3 times राइट करना है। आपको होमवर्क में कंप्लीट पेज नंबर 18 एंड 19 यानी 2 पेज आपको कंप्लीट करना है।